नमस्कार मेरा नाम अभिषेक और चार्ट मोजो की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टॉप लॉस देयर टाइप्स एंड हाउ टू अप्लाई देम अपलाई ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट अगर आप एक नए ट्रेडर हो स्टॉक मार्केट में देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच इट विल हेल्प यू टू सिस्टमेटिकली मिनिमाइज योर लॉस आज के इस वीडियो को हमने तीन सेगमेंट में डिवाइड किया है फर्स्ट इज वॉट इज स्टॉप लॉस सेकेंड इज इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट स्टॉप लॉस एंड थर्ड इज द टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस विच यू कैन यूज टू अप्लाई इन द स्टॉक मार्केट सो लेट्स स्टार्ट बाई अंडरस्टैंडिंग वॉट इज स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो उसका मतलब यही होता है कि आप एडवांस में अपने ब्रोकर के टर्मिनल पर एक प्राइस सेट करते हो एक स्टॉक की एक स्पेसिफिक प्राइस सेट करते हो कि अगर वो स्टॉक वो प्राइस को हिट करेगा तो आपका पोजिशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा इफ़ यू आर लॉन्ग इन अ स्टॉक तो वो स्टॉक वहाँ पर बिक जाएगा और अगर आप कोई स्टॉक को शॉर्ट सेल कर रहे हो तो वो स्टॉक वहाँ पर आपको खरीदना पड़ेगा सो लेट्स से आपने आईटीसी का स्टॉक लिया है 218 एंड यू थॉट कि इट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट प्राइस फॉर द स्टॉक एंड इसके नीचे जाने से उसमें काफ़ी डाउन साइड मूव आ सकता है सो वॉट यू डू इज यू प्लेस अ ट्रिगर विथ योर ब्रोकर कि इस प्राइस के नीचे अगर वो स्टॉक कभी भी जाए तो वो वहीं पर मेरा पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर देना वही एक सिंपल होता है स्टॉप लॉस होता क्या है कि आप अपने ब्रोकर को एडवांस में ऑर्डर दे देते हो कि अगर कोई प्राइस को हिट करे और आपको ये फियर है कि अगर वो प्राइस को ब्रीच करता है वो स्टॉक तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है सो वॉट यू टेल योर ब्रोकर इज कि ये प्राइस आने से ही मेरा पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर देना आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टॉप लॉस होता क्या है ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट एंड लेट्स टॉक अबाउट वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट अ स्टॉप लॉस देर इज अ सेंग इन द मार्केट दैट विन बिग एंड लू स्मॉल येस विन बिग एंड लू स्मॉल इसका मतलब यही है कि अगर आप दस ट्रेड्स लेते हो उसमें से पांच ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में और पांच ट्रेड्स लॉस में है तो वो जो पांच ट्रेड जिसमें आप प्रॉफिट कर रहे हो उसका प्रॉफिट मार्जिन शुड बी बिगर एज कंपेयर टू द स्टॉक्स जिसमें आप लॉस कर रहे हो उसका लॉस मार्जिन शुड बी स्मॉलर इससे होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर टेकिंग एन नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका अकाउंट प्रॉफिट में रहेगा आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ स्टॉप लॉस योर प्रॉफिट शुड बी बिगर देन योर लॉस एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड फॉलो कंसिस्टेंटली चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट सेगमेंट द टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस विच यू कैन अप्लाई इन द स्टॉक मार्केट वाइल ट्रेडिंग हम बात करने करे अबाउट फोर बेसिक टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस विच यू कैन अप्लाई इन द स्टॉक मार्केट नंबर वन इज कैंडल स्टिक बेस्ड नंबर टू इज चार्ट पैटर्न बेस्ड नंबर थ्री इज डायनेमिक स्टॉप लॉस एंड नंबर फोर इज अमाउंट ऑफ परसेंटेज बेस्ड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डिसाइड अ स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन कैंडल स्टिक्स लेट्स मूव टू माई स्क्रीन यहाँ पे मैंने अंबुजा सीमेंट का चार्ट खोल के रखा है डेली चार्ट लेट्स ए यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट कैंडल स्टिक पैटर्नस एंड आप डिसाइड करते हो कि आप यहाँ पर अम्बुजा सीमेंट को बाय करोगे सो so आपने बाय तो डिसाइड कर लिया है एंड लेट्स ए यू कीप अ टारगेट ऑफ प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग हाई मतलब सप्लाई जोन जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था सो so आपने यहाँ पर अपना टारगेट रखा है कि अगर प्राइस टू हंड्रेड ट्वेंटी तक जाता है देन यूल सेल इक्ट बट आपने अभी तक स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं किया सो वॉट यू हैव टू डू इज योर स्टॉप लॉस विल भी बिलो द कैंडल यू आर एंटरिंग ऑन तो अगर आपने इस कैंडल पर एंटर किया है इस कैंडल के सपोज लेट्स क्लोजिंग पे एंटर किया है देन योर स्टॉप लॉस विल भी बिलो द लो ऑफ द स् कैंडल सो वॉट हैपन्स इज वैन यू गोइंग फॉर्व यू सी दैट द स्टॉक फेल्स टू टच द सप्लाई जोन और योर टारगेट बट धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो स्टॉक आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है ना लेट्स यू डिट है स्टॉप लॉस एज यू कैन सी कि इस लेवल को जैसे ही स्टॉक ने ब्रेक किया ये कैंडल के लो को ये स्टॉक ने करीब करीब थर्टी परसेंट का डाउन मूव दिखाया है सो दैट्स वेन स्टॉप लॉस वर्कस अब आप अगर ये स्टॉप लॉस लगा देते हो तो यू माइट सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ वेरी बिग लॉस आप यहाँ पे सिर्फ एक परसेंट का लॉस में निकल रहे हो वहीं अगर आपके पास यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होता तो यू माइट हैव टेकन अ हिट ऑफ थर्टी परसेंट सो दैट्स हाउ कैंडल स्टिक बेस्ड स्टॉप लॉस वर्क अगर आपने कोई कैंडल पे लॉन्ग पोजिशन लिया है तो वो कैंडल के लो को आप अपने स्टॉप लॉस बना दो एंड अगर आपने कोई कैंडल के बेसिस पे कोई शॉर्ट पोजीशन लिया है तो उस कैंडल के हाई को अपना स्टॉप लॉस बना दो बट रिमेंबर दैट लेवल शुड बी सिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स टू द प्राइस ऑफ द चार्ट योर गोल शुड ऑलवेज बी अगेन आई एम रिपीटिंग योर गोल शुड ऑलवेज बी टू लूज स्मॉल चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टॉप लॉस विच इज चार्ट पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस अगेन आई एल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन मैंने एस बी आई का चार्ट खोल के रखा है डेली चार्ट एंड यहाँ पे मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया विच इज मिनी डिसेंडिंग ट्राइंगल इफ यू हैव अ ग्रेट नॉलेज और यू आर लर्निंग अबाउट चार्ट पैटर्न दैन यू कैन यूज दीज पैटर्न्स टू डिटरमाइन योर स्टॉप लॉस हाउ लेट्स आपने ये एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है एंड यू नो दैट दिस इज द डिमांड जोन एंड दिस इज द सप्लाई जोन इन द स्टॉक सो वॉट यू डू इज योर स्टॉप लॉस विल बी बिलो द डिमांड जोन

एज यू कैन सी एस बी आई आफ्टर ब्रेकिंग द डिमांड जोन गेव अ डिसेंट डाउन साइड मूव एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैविंग अ वेरी बिग लॉस इन योर अकाउंट देर आर एन नंबर ऑफ पैटर्न चार्ट पैटर्न विच वर्क एंड आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न देन आपका स्टॉप लॉस शुड ऑल्सो भी बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न इट शुड नॉट बी ऑन अमाउंट बेस कि आप थाउजेंड रुपीज का स्टॉप लॉस ले रहे हो वो वैसे काम नहीं करता क्योंकि आप जो स्टॉप लॉस लेवल जो प्राइस सेट कर रहे हो दैट शुड बी सिग्निफिकेंट टू द चार्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉट डायनेमिक स्टॉप लॉस तो इसका मतलब होता है, यही है सिंपल भाषा में कि आप अपने स्टॉप लॉस के लेवल को अगर कोई ट्रेड आप ले रहे हो और वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ओरिजिनल लेवल पर नहीं रखोगे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे जैसे वो स्टॉप ऊपर जा रहे हो आप अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर करते जा रहे हो सो इट्स वेरी टफ टू मैन्युअली डू इट सो वॉट यू डू इज़ यू फॉलो अ मूविंग एवरेज सो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एशियन पेंट्स का चार्ट खोल के रखा है डेली चार्ट ना लेट सी यू बॉट दिस स्टॉक एट दिस लेवल दिस इज अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आपने इस स्टॉक को इस लेवल पर लिया एंड यू गॉट ए डिसेंट अपसाइड इन द स्टॉक तो आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखोगे आप इसे ट्रेल करते जाओगे सो हाउ यू डू इज आई हैव चूज एन नाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को फॉलो करते रहोगे एंड वेन दिस स्टॉक क्लोजेड बिलो दिस मूविंग एवरेज यू टेक एन एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको काफी अच्छा मूव मिला अपसाइड मूव मिला एंड इट फाइनली क्लोज एट दिस लेवल टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी फोर लेवल की वो स्टॉक uh, अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया एंड एंड दैट्स वैन यू स्क्वायर ऑफ योर पोजिशन तो इससे आपका दो फायदा होता है नंबर वन इज यू डोंट हैव अ टारगेट फॉर दिस स्टॉक द अपसाइड टारगेट तो आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो होल्ड करना जब तक ये इस मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता इट गिव्स अ पीस ऑफ माइंड कि जैसे ही वो ब्रेक करेगा तब मैं इस स्टॉक को एग्जिट कर दूंगा एंड दूसरा फायदा ये है कि जैसे आप स्टॉक को ट्रेल करने लग जाते हो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो देन यू आर श्योर दैट यू विल टेक अ प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्टॉक

कोई सिग्निफिकेंट लेवल पे हम स्टॉप लॉस सेट कर रहे थे अब आप क्या कर रहे हो कि लेट्स से यू हैव अ कैपिटल ऑफ वन लैक एंड यू डिसाइड दैट वन परसेंट से ज्यादा मैं हिट नहीं लेने वाला कोई भी ट्रेड में सो वन थाउजेंड बिकम्स योर स्टॉप लॉस एंड लेट्स से यू बॉट अ स्टॉक एंड आप थाउजेंड रुपीज कैलकुलेट करके वो लेवल पर आप स्टॉप लॉस लगा दोगे बट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर टारगेट प्रॉफिट इज एटलीस्ट वाइज देन योर स्टॉप लॉस अमाउंट सो अगर आप वन का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो योर टारगेट शुड भी एटलीस्ट टू इन दैट वे अगर आप विनिंग uh, ट्रेड्स आपके कम भी हो और लूजिंग ट्रेड ज़्यादा भी हो इवन देन देर इज़ अ चांस कि आप प्रॉफिट में रहो रह या फिर आप अपने कैपिटल को एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस के बारे में अभी पता चल गया होगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट देट यू डिसाइड योर स्टॉप लॉस बिफोर एंटरिंग एनी स्टॉक एंड स्टॉप लॉस कपल्ड विथ पोजिशन साइजिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू पोजिशन साइजिंग पे हमने एक पहला एक वीडियो बनाया था प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एंड देन यू वॉच दिस वीडियो रिमेंबर माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए अब से आप जो भी स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो उस पर आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाए एंड मैंडेटरी रखें अपने लिए कि आप कोई भी ट्रेड ना लो बिफोर डिसाइडिंग योर स्टॉप लॉस आज के लिए बस इतना ही एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड येस डोंट फगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग